खबर गाजियाबाद से बता दे, जहां अब एक पत्रकार को सिर तन से जुदा की धमकी मिली है। आरएसएस के मुखपत्र पांच जने के लिए लिखने वाले पत्रकार को धमकी मिली है। ये धमकी व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद करो, नहीं तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। ये धमकी दी गई है व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। ये देखिए, ये इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं विजुअल्स, और इस विजुअल के अंदर आप देख सकते हैं, ये चैट बॉक्स आप देख पा रहे हैं, जहां पर इस पत्रकार को धमकी दी गई है सिर तन से जुदा की। आरएसएस के मुखपत्र पांच जने के लिए ये पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें धमकी मिली है। ये धमकी व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद करो, नहीं तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। ये गाजियाबाद से कोई पहला मामला सामने नहीं आया, इससे पहले भी एक शख्स को इसी तरह की धमकी दी गई। तो मैसेज आता है कि स्टॉप राइटिंग अगेंस्ट इस्लाम और अदरवाइज हम तुम्हें मार देंगे, और जो सरतन से जुदा वाली जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कह सकते हैं कि वो भी मैसेज आता है कि गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा। तो मैं उससे यही पूछ रहा था कि तुम मुझे दिखाओ कि मैंने कहाँ मोहम्मद साहब दिया फिर क्या कहते हैं इस्लाम के खिलाफ लिखा है। पुलिस का काम संतोषजनक है, सिक्योरिटी भी उन्होंने प्रोवाइड कराई। थाना इंदिरापुरम पे निशांत आजाद जी की तहरीर पे उनको व्हाट्सएप पे एक मैसेज प्राप्त हुआ था, उस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, तथा साइबर सेल और एसपी सिटी सेकंड साहब की टीम और थाना इंदिरापुरम की टीम के द्वारा घटना के अनावरण के प्रयास किए जा रहे हैं, जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। और सर जानकारी के लिए पीयूष इस वक्त गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, पहले एक डॉक्टर को धमकी दी गई थी और अब एक पत्रकार को इसी तरह की धमकी व्हाट्सएप के जरिए मिली है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं ये लगातार बीते कुछ दिनों में गाजियाबाद में पांचवा मामला है जहां सरतन से जुदा की धमकी दी जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई नेक्सस या कोई गैंग काम कर रहा है जो इस तरीके की कार्रवाई कर समाज में विदेश फैलाना चाह रहा है। एक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से निशांत पत्रकार को धमकी दी गई है, जहाँ ये पांच जने और ऑर्गेनाइजर जैसी पत्रिकाओं में काम कर रहे हैं। इन्होंने हालिया एक कांग्रेस के ट्वीट पर कुछ लिखा था, जिसके बाद इनके साथ उन्होंने जवाब में जब उन्होंने पूछा आप मुझे क्यों धमकी दे रहे हैं, मैंने इस्लाम या मोहम्मद साहब के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो उन्होंने यही इनको जवाब दिया, आप इस्लाम के अगेंस्ट में लिखना बंद कीजिए। एक खाकी वर्दी का जो गणवेश होता है में एक ट्वीट किया, उसके स्क्रीनशॉट को इनके साथ उसने धमकी देने वाले शख्स ने साझा किया, जिसके बाद इन्होंने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करके इन्हें दो गार्ड मुहैया करा दिए हैं। पर एक कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है, एक नेक्सस या इस मानसिकता के लोग संगठित रूप से काम कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकार निशांत का आमतौर पर ये कहना था जिन दो मोबाइल नंबरों पर मेरे को ये धमकियां दी गई हैं वो मैंने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं किए हुए थे, तो ये नंबर उन तक पहुंचना और पारिवारिक विषय के बारे में सारी जानकारी हासिल करना, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट भी इस सारे मामले में दिखाई दे रही है।